दिस इज जगांचल सिंह, वेलकम टू स्टडी बाय थर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स इसके पहले की वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विलियम शेक्सपियर के इम्पोर्टेंट प्लेस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, जो यहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए फ्रेंड्स। 326 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? ऑप्शन ए थेन ऑफ कटूर, थेन ऑफ ग्लैमिस, ऑप्शन सी है थेन ऑफ फिफ है, ऑप्शन डी है अर्ल ऑफ नॉर्थुम्बरलैंड है। क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है कि व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव, मैकबेथ की ओरिजिनली टाइटल क्या थी, ठीक है, उसकी क्या थी, थेन ऑफ कटोर था कि थेन ऑफ ग्लैमिस था, क्या था, इन्हीं दोनों में से राइट आंसर है। तो यही आपको राइट आंसर बताना है। तो उसका क्या था, थेन ऑफ ग्लैमिस था। जैसे कि विजेजेस जो थी उन्होंने भविष्यवाणी की थी मैकबेथ के बारे में कि वो पहले क्या बनेगा, थेन ऑफ ग्लैमिस, फिर थेन ऑफ कटोर एंड फिर क्या बनेगा, किंग बनेगा, ठीक है। स्टूडेंटों ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी। 327 क्वेश्चन को देखते हैं। द पोर्टल सीन प्रोवाइड्स, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है कॉमिक रिलीफ, ठीक है, राइट ऑप्शन सी है। वेयर इज मैकबेथ कोस्टल लोकेटेड, ठीक है, वेयर इज मैकबेथ कोस्टल लोकेटेड, मैकबेथ का कोस्टल लोकेटेड कहाँ है, एट आयरलैंड में, एट नॉर्वे में, एट कटोर में, एट इनवर्नेस में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डी, एट, इसका राइट आंसर है डी, एट इनवर्नेस में, ठीक है। वेयर इज मैकबेथ कोस्टल लोकेटेड, यानी कि कोस्टल लोकेटेड का मतलब होता है कि मैकबेथ का किला कहाँ स्थित था, कहाँ पे है, ठीक है, ये है ना, तो कहाँ पे है, एट इनवर्नेस, ठीक है, राइट आंसर डी है। व्हाई इज वांगो किल्ड, ठीक है, व्हाई इज वांगो किल्ड, ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। ऑप्शन ए है बिकॉज ही इज अ पावरफुल जनरल था, बिकॉज क्योंकि ही इज सन ऑफ किंग डंकन। ऑप्शन सी है कि बिकॉज ही डिस ऑविट मैकबेथ, ऑप्शन डी है बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेस प्रोफेसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर था मैक बांगो क्यों मारा गया था फ्रेंड्स, इसी वजह से मारा गया था क्योंकि जो विचेस थी उन्होंने भविष्यवाणी की थी बांगो के बारे में कि तुम तो राजा नहीं बन पाओगे लेकिन तुम्हारे वंश राजा बनेंगे, ठीक है, इसी वजह से बांगो को क्या करना पड़ा, अपने जान को गंवाना पड़ा। तो बिकॉज ही इज अवेयर द विशेष प्रोफेसी, जो विशेष थी यानी कि जो चुड़ैले थी उन्होंने बांगो के बारे में भविष्यवाणी की थी कि तुम तो राजा नहीं बनोगे लेकिन तुम्हारी जो संतान है वो राजा बनेगी। विद द डेथ ऑफ मैकबेथ, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, मैकबेथ की डेथ के साथ, ठीक है, डेथ के साथ क्या था, फ्लेंस कम्स टू द थ्रोन, ऑप्शन बी है द विचेस टाइम, ऑप्शन सी है मॉरल ऑर्डर इज रेस्टोरेड, ऑप्शन डी है मैकबेथ इज एबल टू मीट हिज फैमिली। तो इसका राइट आंसर है मॉरल ऑर्डर इज रेस्टोरेड, ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। 331 क्वेश्चन को देखिए। वेयर इज ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीइंग डिपोस्ट ऑफ हिज किंगडम, ठीक है, हिज किंगडम यानी कि जो ड्यूक सीनियर है हिज किंगडम से जब वो निकाल दिया जाता है तो वो कहाँ पर रहता है, स्टिंग ऑफ टर्मी डिपोज यानी कि वो कहाँ पर रहता है। ऑप्शन ए है द विंडम वुड में रहता है, बी ही इज ए रिट्रीट हाउस इन लंडन, ऑप्शन सी इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन, ऑप्शन डी इन एग्जाइल इन स्कॉटलैंड, ठीक है। तो वो फ्रेंड्स इन द फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डिन में रहता है, ठीक है, क्योंकि ड्यूक सीनियर का जो छोटा भाई ड्यूक फैट्रिक है वो उसको क्या करता है, जो है किंगडम से उसको बाहर कर देता है।
तो जो ड्यूक सीनियर रहता है अपने फेथफुल फॉलोवर्स के साथ फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में रहता है, ठीक है, जैसे उसके जो वफादार अनुयायी है जो अमिन्स और जैक्स भी उसके साथ फॉरेस्ट ऑफ ऑर्डन में रहते हैं, ठीक है। 332 क्वेश्चन को देखिए, इन द प्ले जैक्स इज, ठीक है, इन द प्ले जैक्स इज ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सिनिक, ठीक है, ए सिनिक राइट आंसर ए है। 333 क्वेश्चन को देखिए, सी इज टू सेटल फॉर दी एंड हर स्मूथनेस हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशेंस स्पीक टू पीपल एंड दे पिटी हर हु स्पीक्स दिस लाइंस एंड अबाउट होम। अब आपको ये बताना है कि ये किस लाइन से है। यस, अब बताइए सी इज टू चैप्टर फॉर दी, क्या करें कि वो आपके लिए बहुत सूक्ष्म है एंड हर स्मूथनेस उसका चिकनापन हर वेरी साइलेंस एंड हर पेशेंस स्पीक टू पीपल, यानी कि वो बहुत ही शांत है और बहुत ही पेशेंस है, यानी कि उसके पास बहुत धैर्य है, स्पीक टू पीपल वो लोगों से बात करता है, यानी कि उसका धैर्य और उसका साइलेंस ही लोगों से बात करता है एंड दे पिटी हर, ठीक है, और वे उस पर दया करते हैं। हु स्पीक दिस लाइन्स एंड अबाउट होम, यह लाइन कौन कहा और किसके बारे में कहा ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है क्लाउन अबाउट रोजलिंड, ऑप्शन बी है जैक्स अबाउट सेलिया, ऑप्शन सी है ड्यूक फेडरिक अबाउट रोजलिंड, ऑप्शन डी है ड्यूक सीनियर अबाउट सेलिया, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सी, ड्यूक फेडरिक अबाउट रोजलिंड के बारे में कहता है, ठीक है, जो फेडरिक है किसके बारे में कहता है, रोजलिंड के बारे में कहता है कि सी इज टू सेटल फॉर थी, वह सूक्ष्म है एंड हर स्मूथनेस उसका चिकनापन हर वेरी साइलेंस वो बहुत साइलेंस है एंड हर पेशेंस उसका जो चुप्पी और उसका धैर्य लोगों से बात करता है एंड डे पीटी हर वह उसे क्या करते हैं पीटी करते हैं यानी कि उसमें दया करते हैं। हु स्पीक्स दिस लाइन्स एंड अबाउट होम, वह कौन कहा किसके बारे में कहा, ड्यूक फेडरिक ने कहा किसके बारे में, रोजलिंड के बारे में। 334 क्वेश्चन को देखिए, अंडर द ग्रीन वुड ट्री हु लव्स टू लाइव विद मी दिस सॉन्ग हैव बीन संग बाय, ये सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया था, ठीक है, अंडर द ग्रीन वुड ट्री, जो ग्रीन वुड ट्री है उसके नीचे Who loves alive with me? This song have been sung by. ये किसने गाया था? ये अमिन से है. Right answer इसका A है. Right answer A है. 335 को देखिए. Shakespeare's sonnets are in the following form. ठीक है? Shakespeare के जो sonnet हैं, उन्हें हम किसको form करते हैं? Option A है, B है, C है, D है. थ्री क्वार्टर्स एंड ए कॉपलेट है, ऑप्शन बी एन ऑक्टेव एंड ए सेस्टेट है, ऑप्शन सी टू सिंस लाइंस स्टैंजास एंड ए कॉपलेट है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ए है, थ्री क्वार्टर्स एंड अ कॉपलेट, ठीक है। शेक्सपियर ट्रेजडी इज रिटन बाई, शेक्सपियर ट्रेजडी इज रिटन बाई, शेक्सपियर की ट्रेजडी किसके द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन ए बी सी डी, एडवर्ड ऑडिन के द्वारा, ए सी ब्रैडली के द्वारा, डॉर विल्सन के द्वारा, विल्सन नाइट के द्वारा, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए सी ब्रैडली के द्वारा लिखा गया है और फुल नेम है इनका एंड्रयू सेशन ब्रैडली, ठीक है, इन्हीं का ये फुल नाम है, ठीक है। 337 क्वेश्चन को देखते हैं, शाइलॉक इज ए कैरेक्टर इन शेक्सपियर, शेक्सपियर के किस प्ले का कैरेक्टर है शाइलॉक, ये आपको बताना है, ट्वेल्थ नाइट का, मर्चेंट ऑफ वेनिस का, एज यू लाइक इट का, कि कॉमेडी ऑफ एरर्स का, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है ये मर्चेंट ऑफ वेनिस का ये कैरेक्टर है और वह उसमें क्या रहता है, मनी लेंडर रहता है शाइलॉक। ट्रैक इन द फॉलोइंग लिस्ट, यस, ट्रैक इन द फॉलोइंग लिस्ट द प्ले विच डज नॉट बिलोंग टू कैटेगरी टू विच द रेस्ट डू, ठीक है,
निम्नलिखित में से जो ये फोर ऑप्शन दिया है, ठीक है, फॉलोइंग लिस्ट, ये जो फॉलोइंग लिस्ट है, द प्ले विच डज नॉट बिलोंग, इसमें से कौन सा प्ले बिलोंग नहीं करता है टू द कैटेगरी टू विच द रेस्ट टू, जो इस कैटेगरी का जो है उसमें कौन सा प्ले जो है कि बिलोंग नहीं करता है। तो फ्रेंड्स आपको पता ही है कि शेक्सपियर के जो जो फोर मेजर ट्रेजेडी है, ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट एंड क्या है, मैकबेथ है, ठीक है, ये फोर शेक्सपियर की क्या है, मेजर ट्रेजेडी है। तो इसमें द टेम्पेस्ट नहीं है, ठीक है, इसमें द टेम्पेस्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये कॉमेडी है, ठीक है, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था 1610 और 1611 के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, इट इज बिलीव दैट शेक्सपियर वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ डियर पोचिंग इन गार्डन ऑफ, ठीक है, क्या आप मानते हैं कि शेक्सपियर जो दोषी पाए गए थे हिरण, ठीक है, डियर मतलब हिरण, पोचिंग इन गार्डन, जो गार्डन में हिरण के शिकार के लिए शेक्सपियर दोषी पाए गए थे, तो किसमें किसके में पाए गए थे, फोर ऑप्शन में से आपको बताना है। ऑप्शन ए है विलियम हर्बर्ट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट ग्रीन, ऑप्शन सी है थॉमस लूसी, ऑप्शन डी है थॉमस थॉर। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स थॉमस लूसी, ठीक है। शेक्सपियर के फ्रेंड्स मैंने कई वीडियो बनाई है, इनकी बायोग्राफी, इनकी जो प्लेस की डेट है एंड शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, ठीक है, उसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको काफी हेल्प मिलेगा। 340 के हु इज अथर ऑफ द लाइन, ठीक है, इस लाइन का अथर कौन है, टाइगर्स हार्ट ऑफ ब्रेव इज अ प्लेयर्स हाइड अबाउट शेक्सपियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर देखिएगा। आप विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी को देख लीजिएगा, विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी आप देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है, और उसके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो ये है रॉबर्ट ग्रीन साहब, रॉबर्ट ग्रीन साहब की लाइन है, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन की है। क्वेश्चन को देखते हैं, हु कॉल्ड शेक्सपियर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसिस चाइल्ड, ऑप्शन ए मिल्टन, बी है कोलरिज, सी है बिन जॉनसन, डी है अर्नोल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर ए है मिल्टन, मिल्टन ने शेक्सपियर को कहा है स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसिस चाइल्ड, ठीक है, किसने कहा है, मिल्टन ने कहा है, राइट आंसर ए है। 342 क्वेश्चन को देखते हैं, फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज स्पीकर, ठीक है, फ्रॉम वेयर दिस लाइन्स हैज बीन टेकन एंड हु इज स्पीकर, उस लाइन के स्पीकर कौन है वो आपको बताना है। वी आर सच इश्टुप्स, ठीक है, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद अ स्लीप, ये आपको बताना है। यस, चलिए देख लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वी आर सच स्टूप, यानी कि हम ऐसी चीज हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ठीक है, जैसे सपने बनते हैं, एंड आवर लिटिल लाइफ, हमारा जो लिटिल लाइफ है यानी कि छोटा जीवन है, इज राउंडेड विद अ स्लीप, वह किसके साथ घिरा है, एक स्लीप के साथ यानी कि नींद के साथ क्या है, घिरा है। ये लाइन कौन कहता है और किस प्ले में कहता है, ठीक है, एक बार फिर आप देखेंगे, यस, यहां से देखेंगे, यस, वी आर सच स्टोर्स एज ड्रीम्स आर मेड ऑन, ठीक है, हम ऐसी चीजें जैसे कि सपने बनते हैं, एंड आवर लिटिल लाइफ, हमारा जो छोटा जीवन है, इज राउंड विद अ स्लीप, वह किससे घिरा है, और स्लीप से घिरा है यानी कि नींद से घिरा है। तो ये शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ में मैकबेथ कहा था, कि हेमलेट में हेमलेट कहा था, ट्वेल्थ नाइट में मार्कोलियो कहा था, टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो कहा था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर डी है,
टेम्पेस्ट में प्रोस्पेरो कह रहा है क्योंकि वह अपनी बेटी की शादी नेपल्स के राजकुमार से करना चाहता है, लेकिन वह क्या है, आशंका में है। तो वो इस बात को कहता है कि वी और सच ए स्ट्रोफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड आवर लिटिल लाइफ इज राउंड विद अ स्लीप, यानी कि राइट आंसर डी है, टेम्पेस्ट में कौन कहता है, प्रोस्पेरो कहता है। 343 क्वेश्चन को देखते हैं। शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन एलिजबेथ फॉर ऑल टाइम वॉज अटर्स बाई, ठीक है, शेक्सपियर वॉज नॉट ऑफ एन इज बट लेकिन फॉर ऑल टाइम्स वॉज अटर्ड बाई, ये किसकी लाइन है, तो ये है बेन जॉनसन की लाइन। ये जो कोटेशन आते हैं ना फ्रेंड्स, आप इसको थोड़ा कि नोट कर लिया कीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और जब ये इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन भी हो जाता है, ठीक है, तो नोट किए रहेंगे तो आप उसको जब पढ़ेंगे या उसको आप याद करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा, ठीक है। 344 क्वेश्चन को देखिए। हर्मिया इज कैरेक्टर इन शेक्सपियर, ठीक है, हर्मिया शेक्सपियर के किस प्ले के कैरेक्टर है, यानी कि किस प्ले में कैरेक्टर है, तो मिडसमर नाइट्स ड्रीम, रोमियो एंड जूलियट, टू जेंटलमैन ऑफ बैरनो, मैरी बेब्स ऑफ विंडसर, किसकी है ये, तो ये है मिडसमर नाइट्स ड्रीम की कैरेक्टर है, कौन है, हर्मिया, ठीक है, हर्मिया किसकी कैरेक्टर है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, यानी कि राइट आंसर ए है। 345 क्वेश्चन को देखते हैं। द लाइन्स दिस इज नोवलिस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाय, कौन कहा, ये लाइन किसने कहा कि दिस इज नोवलिस्ट रोमन, ठीक है, वह रोमन के लिए क्या है, नोवलिस्ट ऑफ देम ऑल, वो सब में रोमन का सबसे नोवलिस्ट है, ही सेड बाय किसके बारे में कहा या किसके द्वारा कहा गया, ठीक है, बाय किसके द्वारा कहा गया, क्लियोपेट्रा, ब्रूटस, एंटोनी, सीजर, फ्रेंड्स ये तो एंटोनी ने कहा था, ये लाइन एंटोनी ने कहा था किसके लिए, ब्रूटस के लिए, कि दिस इज नोबलिस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, एंटोनियो कहा था, किसके लिए कहा था, ब्रूटस के लिए कहा था, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर सी है, ठीक है, इसको एंटोनियो ने कहा था और किस एक्ट में कहा था, एक्ट 5 सीन 5 में एंटोनियो ने ब्रूटस को कहा था, आप इसको याद रखेंगे। हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, इसका राइट आंसर क्या है, 346 का राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, ठीक है। 347 क्वेश्चन को देखिए। देखिए द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय जे डब्ल्यू विल्सन, ठीक है, जे डब्ल्यू विल्सन, द एसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। 348 क्वेश्चन को देखिए। शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ, तो शेक्सपियर की हिस्ट्री प्लेज है फ्रेंड्स ए पीरियड है, तब कॉल है डील विथ है, तो वो इसका राइट आंसर है 350 ईयर्स, ठीक है। 349 क्वेश्चन को देखिए। हु इज नोन एज द, 349 क्वेश्चन को देखिए। मेलांकोली निमैन इन एज यू लाइक इट, ठीक है, हु इज नोन एज, कौन जाना जाता है, मेलांकोली मैन इन एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट में मेलांकोली मैन के नाम से कौन जाना जाता है, टचस्टोन, सेल्वियस, जैक्स, कौन जाना जाता है फ्रेंड्स, तो ये सी है, जैक्स है, ठीक है, कौन है, जैक्स, राइट आंसर सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट, इसमें से आपको फ्रेंड्स 4 ऑप्शन में से ये बताना है कि एज यू लाइक इट का कौन सा कैरेक्टर नहीं है, रोजलिन नहीं है, सेलिया नहीं है, और लैंडो नहीं है, पोर्सिया नहीं, तो इसमें से पोर्सिया नहीं है, डी इसका राइट आंसर है, इसमें पोर्सिया नहीं है, पोर्सिया किसकी कैरेक्टर है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस की क्या है, हीरोइन है।
14 प्लस इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। शेक्सपियर की किस प्ले का कैरेक्टर है 14 प्लस, आपको ये बताना है। तो वो है हेलमेट का, हेमलेट का, सॉरी हेमलेट का है, ठीक है हेमलेट का है। चलिए 352 क्वेश्चन को देखिए। द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट्स इज, ठीक है द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियर सोनेट्स थीम, शेक्सपियर के सोनेट की मेन थीम क्या है, वो है लव, यानी कि ये इसका राइट आंसर लव है। और शेक्सपियर सोनेट इंड्स विद, शेक्सपियर के सोनेट कविंस किसके साथ होता है, इंड्स किसके साथ होता है, ए बी सी डी, ये होता है कॉपलेट के साथ, यानी सी इसका राइट आंसर है। 355 क्वेश्चन को देखिए, यस 55 है। लाइफ्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर अकर्स इन शेक्सपियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, ट्वेल्थ नाइट का है, हैमलेट का है, कि मैकबेथ का है, किंग लियर की है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है सी, ये लाइन किसकी है, मैकबेथ की है। जब मैकबेथ को ये खबर मिलती है कि लेडीज मैकबेथ की डेथ हो गई है, यानी कि लेडीज मैकबेथ ने आत्महत्या कर लिया है, तो उसको ये जो जीवन है पूरा अर्थहीन लगने लगता है, उसको जैसे कि बहुत लंबी लंबी बातें करने लगता है, बहुत जो है कि ऐसे हो जाता है ना, जैसे कि आप लोगों ने प्ले पढ़ा ही होगा, जैसे कह रहा है कि लाइफ से बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर्स, और उसकी एक फेमस लाइन है इडियट टू टोल्ड इडियट, जिस जो इस लाइन को कहता है। तो मैकबेथ जब ये खबर सुनता है तो वो पूरी तरह से क्या होता है, एकदम बौखला जाता है। तो वो कहता है कि जीवन तो है लेकिन वह क्या है, एक चलती हुई क्या है परछाई है, अ पुअर प्लेयर, और एक गरीब खिलाड़ी। जैसे उसका क्या कहने का मतलब है कि हम एक ऐसी चीज़ों के पीछे से भागते हैं कि जैसे हमारा ये हमारे अंदर कुछ समय के लिए, यानी कुछ क्षण के लिए हमारे अंदर जो जुनून आता है, जो पीड़ा या जो लालसा आती है, वह मंच पे दिखाई तो देता है लेकिन वह कुछ क्षण के लिए ही होता है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता है, और फिर वो बाद में अर्थ या उद्देश्य के बिना बाहर निकल जाता है, यानी कि उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है उस जीवन का कोई मतलब नहीं हो जाता है। जैसे कि मैकबेथ की जो लालसा थी, लालसा से ही उसका पतन हुआ था, अगर उसके अंदर इतनी लालसाएं नहीं रह रही होती तो उसका पतन नहीं होता। चुड़ैलों ने उसके भविष्यवाणी तो किया लेकिन ये अपने मन को इतना एक्साइटेड कर लिया कि इसकी इच्छा अपेक्षा बढ़ती गई और वो मर्डर करता गया। तो वो कह रहा है कि ये जो होती है, जो हमारी इच्छा आती है, जो हमारी लालसा होती है, तो बस ये कुछ ही टाइम के लिए होती है, ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, मैं यही कहने का मतलब, यानी कि ये मैकबेथ कह रहा है, ठीक है। और इसका एक ये भी कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेथ इज टोल्ड, टोल्ड इज लाइफ, इसका जो है कि इम्पोर्टेंट कोटेशन ए बी है। 355 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोअर्स डज द मेड ओफेलिया नॉट गिव अवे, ठीक है तो इसका राइट आंसर है ए, ए इसका राइट आंसर है। 356 क्वेश्चन को देखते हैं। हु रोट लिलीज डेट फॉस्टर स्मेल फॉर वर्स देन वीड्स, ये शेक्सपियर है, राइट आंसर क्या है, शेक्सपियर है, डी इसका राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स वीडियो काफी पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।